preaching about. Today I'm preaching about. आज मैं जिस नुक्ता पर बात करूंगी. About two topics. वो दो नकात हैं. Show me your hand. Two topics. दो नकात हैं. अपने हाथ जाहिर करके ये बयान करें. Two topics. दो नकात हैं. First point is peace is a spirit power. पहला नुक्ता ये है कि जो इत्मीनान या अमन है वो आग की रूह की ताकत है. Everybody say peace. Spirit power. हर कोई ये कहे कि अमन जो है मेरी रूह की ताकत है. अमन जो है मेरी रूह की ताकत है. The second point is the prayer of with tears is powerful. आज का हमारा दूसरा नुक्ता ये है कि जो दुआ हम आंसुओं के साथ करते हैं उसकी ताकत. Hallelujah. 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 Turn your Bibles with me. आए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें. जिनके पास खुदावंत का जिंदा कलाम है वो जरूर खोलें. फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 14. पहला क्रंथियों का हद और उसका चौथा बाब एंड वर्स 33 और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे. Our God is not God of confusion but of peace. जिसने निकाल लिया है वो पढ़ने में रहनुमाई कर. क्योंकि खुदा अक्तरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है जैसा कि मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है. हालेलुया. हालेलुया. Let's close our eyes and pray. आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करेंगे. Raise your hand up. अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लें. And close your eyes. और अपनी आंखें बंद कर लेंगे. Because you are in the presence of God. क्योंकि हम सब खुदा की हजूरी में यहाँ मौजूद है. Oh my heavenly Father. Oh मेरे प्यारे आसमानी खुदा. Take my lips. मेरे होठों का जिम्मा ले. And speak through them. और आज बोल. Heavenly Father, for guiding me thus far and granting me your grace. Oh मेरे आसमानी बाप आज मुझे अपने रहमत से भर दे और मुझे मेरी रहनुमाई कर. Even now you know the purpose for which I have here. हालांकि तू जानता है कि मैं किस मकसद के तहत यहाँ पर मौजूद हूँ. Oh Lord, your scriptures say that you were your great servant like Moses and Joshua. Oh, खुदावन तेरा पाक कलाम हमें बताता है कि तू अपने बंधु मूसा और यशवा के साथ भी रहा है. And use them to bring the bondage people that is were living in the sin. और तूने उनको इस्तेमाल किया अपने लोगों के लिए कि वो उनको कैदों से रिहाई दे. Today, Lord, use me like that. Oh, खुदावन आज की दोपहर मुझे इसी तरह इस्तेमाल कर. Fill me with the same anointing and grace. मुझे उसी मसा से दोबारा भर दे. Lord, you know the people's need. Oh, खुदावन तू लोगों की जरूरियात को जानता है. I pray, Lord, speak them. Oh, खुदावन मैं दुआ करती हूँ कि तू आज अपने लोगों से बोल. Not my will, Lord. Oh, खुदावन मेरी मर्जी नहीं. But your will be done. बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. In Jesus' mighty name. यीशु के नाम से. I pray. मैं दुआ करती हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Every believer can be under attack. हर कोई ईमानदार हमले के नीचे आ सकता है. But I wanna tell you God people. लेकिन खुदावंत के लोगों मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ. That Lord does not want. कि खुदावंत ऐसा नहीं चाहता. You to worry about your enemies. कि आप अपने दुश्मनों से खौफज़दा हो. Hallelujah. 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 सारे आंखें उठाकर खुदावंत का कलाम सुनें. Smiling face again and again. I say and I preach. मैं आपके खूबसूरत चेहरे मुस्कुराते चेहरे देखना चाहती हूँ अपनी मनादी के दौरान. Hallelujah. Hallelujah. I was. मैं ये बयान कर रही थी. That God does not want you to worry about your enemies. के खुदावंत नहीं चाहता कि आप अपने दुश्मनों से खौफज़दा हो. That's the what devil wants you to do. ये इब्लीस है जो ऐसा चाहता है कि आप अपने दुश्मनों से खौफज़दा हो जाएं. Apostle Paul said that the God of peace will soon crush it down under your feet. पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद जल्द तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलेगा. हालेलुया. 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 If you wanna get your victory, then speak after me. Hallelujah. अगर आप अपनी फतह को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे पीछे कहे हालेलुया. 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 You are victorious. आप फतहमंद लोग हैं. Because Jesus paid the price for your sin. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दी है. And his blood is so precious. और उसका लहू बड़ा कीमती है. So precious. बहुत कीमती है. When I share the victory. जब मैं फतह को बयान करती हूँ. Then it's been a shout. तो इसका मतलब है
If you can maintain peace during your affair, अगर आप रूहानी जंग के दौरान अपने अमन को कायम रखते हैं, you send a mighty blow to satanic oppression and fear. तो आप अबलीस के जबर और खौफ को एक बहुत बड़ा धचका लगाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Peace is a spirit power. जो इत्मीनान है या अमन है वो रूह की ताकत है. Hallelujah. Hallelujah. Your first step. आपका पहला कदम इन हैविंग अथॉरिटी ओवर द एनिमीज इज हैविंग पीस इन द मिडिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. आपका पहला जो स्टेप है, अगर आप अपने दुश्मन पर एहतियार रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप तूफान के दरमियान भी अमन का मुजाहिरा कर रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल एनिमीज. मैं जिस्मानी दुश्मनों की बात नहीं कर रही, इस बात को याद रखिएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द डीमंस. मैं बदरूहों की बात कर रही हूँ. विच यूज द ह्यूमन बॉडी, जो कि इंसानी वजूद को इस्तेमाल करती है, स्टॉप गॉड वर्क्स, के उनको खुदावंद के काम करने से रोके. यू डोंट नीड टू फाइट दैट पर्सन. आपको उन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है. बट नीड टू फाइट विद प्रेयर्स टू दैट डीमंस. लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो बदरूह है उनमें काम कर रही है उनके साथ लड़ा जाए. हालेलुया. हालेलुया. डू यू रिमेम्बर The storm that Jesus was in? आपको वो तूफान याद है जब जो तूफान यीशु मसीह में आया? किसको वो तूफान याद है? कश्ती वाला वाक्या सबको याद है. Hallelujah. Hallelujah. He was asleep on the ship. वो कश्ती में सो रहा था. And the waves become to beat the ship. और जो लहरें हैं वो कश्ती से टकरा रही थी. The disciple became afraid. जो शागिर्द हैं वो खौफ ज़दा हो गए थे. Wanting him to wake up. और वो चाहते थे कि उनका मालिक जाग जाए. And they were thinking like this, how could he sleep like this? और वो सोच रहे थे कि ये कैसे सो सकता है. Did he not care? क्या वो ख्याल नहीं रखता? This same disciple, ये शागिर्द सोच रहे had seen Jesus perform many miracles. हालांकि वो यीशु मसीह के बहुत से मुजज़ात को देख चुके थे. Yet when the storm hit, लेकिन वो तूफान को भी देख रहे थे कि वो कश्ती से टकरा रहा है. Yet when the storm hit, जब तूफान आया, they forget, वो भूल गए, that who is on ship, कि कश्ती में कौन सो रहा है. So it is with our lives, ऐसा हमारी जिंदगियों के साथ भी होता है. We believe on Jesus. हम यीशु मसीह पर तो यकीन रखते हैं. We trust on him. हम उस पर भरोसा रखते हैं. We pray the forgiveness of his sins. हम उसे दुआ करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की माफी है. We look to him to supply our needs. हम उसे दुआ करते हैं कि वो हमारी जरूरियात को पूरा करे. But when sudden storm come, लेकिन जब इस तरह के तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं, and the storm hit, और लहरें हमारी जिंदगी से टकराती हैं, and everything is falling down, और हर चीज नीचे गिरती जाती है, we forget, हम भूल जाते हैं, who is the captain of our ship, हमारी कश्ती का पासबान या कैप्टन कौन है. Hallelujah. 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 Let's look at how Jesus handled the situation. आइए देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे उस सारे मामले को हैंडल किया. He did not fight against the storm.